तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। ये देश हमारा दबने वाला नहीं कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। 1960s इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के लिए बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल टाइम था। 1962 में चाइना के साथ वॉर में हारने से इंडिया को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से बढ़ाने का बहुत बड़ा रीजन मिला। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 1964 तक चाइना हैड आल्सो बिकम अ न्यूक्लियर पावर। 1965 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के हमेशा खिलाफ रहे थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर पावर को वेपनाइज करेगा। Another thing happened in 1965. होमी भाभा, the father of India's nuclear program, ने All India Radio को इंटरव्यू में कहा कि अगर इंडिया के पास ग्रीन सिग्नल होता तो इंडिया सिर्फ 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता था। होमी भाभा डाइड 3 months later in 1966 in a suspicious airplane crash. Then PM Lal Bahadur Shastri died in the same year, in the same month, under mysterious circumstances in Uzbekistan. But aisa kya ho jata agar India ka nuclear power program 1960s mein hi successful ho jata? Kaun si countries ko isse problem thi aur kyun? Aur kaise India ne apne dam par ek successful nuclear program build kiya? And what's the hidden nuclear strength of India? जिसको लेकर चाइना भी परेशान रहता है। इन सब इम्पोर्टेंट सवालों के जवाब जानने के लिए सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग और जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये थ्योरी रही है कि इंडिया अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स के एग्जैक्ट नंबर्स कभी नहीं बताता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, और ये हमारे नेबर्स को बड़ा इरिटेट करता है। After all this, one technology has the power to destroy whole nations. दुनिया को न्यूक्लियर पावर की सिग्निफिकेंस रियलाइज हुई 1945 में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दो न्यूक्लियर बॉम्ब से जापान के दो बड़े शहरों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इतनी पावरफुल चीज इंसानों ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी, तो ये सिर्फ एक कंट्री के पास कैसे रहती? All the big nations knew if they have to survive the power tussle, they need to have this technology. इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए एक रेस थी। US जिसने UK के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, stopped sharing it with the UK. Soviet Union, US का World War II में अलाय था, was sending spies to the US to get access to the sensitive nuclear technology. But India के पास होमी भाभा थे। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1944 में ही स्टार्ट कर दिया था। बाकी देशों में न्यूक्लियर वेपन्स की रेस तेजी से बढ़ रही थी, और जब इन देशों ने खुद की न्यूक्लियर पावर एस्टैब्लिश कर ली, देन दे केम अप विद अ ट्रीटी टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर पावर्स, बट ओनली फॉर अदर नेशंस, नॉट फॉर देमसेल्व्स। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, उन्हें डिसआर्म करने को बोला गया, बट US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना वर रिकॉग्नाइज्ड एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाउ इंडिया ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लेकर इस ट्रीटी को साइन करने से रिजेक्ट किया एंड कॉल्ड इट डिस्क्रिमिनेटरी, बिकॉज ये ट्रीटी इन 5 कंट्रीज की मोनोपोली बना रहा था। इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने पड़े बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस थ्रेट्स इट फेस्ड। 1971 के वॉर में चाइना, पाकिस्तान एंड द US तीनों इंडिया के खिलाफ खड़े हो गए थे। US चाइना का ट्रस्ट जीतने में लगा था बाय सपोर्टिंग पाकिस्तान, चाइनाज ट्रस्टेड अलाय। एंड 70s में इंडिया US रिलेशन इतने खराब हो गए थे कि 71 वॉर में द US थ्रेटन इंडिया बाय सेंडिंग न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप टू द बे ऑफ बंगाल टू स्टॉप अस फ्रॉम अटैकिंग वेस्ट पाकिस्तान। अगर इंडिया के पास 71 वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो इट वुड हैव एक्टेड एज अ डिटरेंट। किसी नेशन की हिम्मत नहीं होती टू थ्रेटन अस विद अ न्यूक्लियर वेपन। बट फाइनली 1974 में इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, मेकिंग इंडिया द 6th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। बट दीज वर नॉट फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वेपन्स, ये सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स थे। इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू मीट आवर ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनर्जी For agriculture and industry, we must produce more electricity. Our science, particularly our nuclear science, is dedicated to development, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses.
बट इंडियाज दिस एक्ट पिस्ट ऑफ द मेजर न्यूक्लियर पावर्स और उन्होंने मिलकर इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए विच सेवरली इफेक्टेड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम. Do you know how many nuclear tests the US conducted between 1944 to 1992? 1032 tests and India just one. Now isn't this discrimination? Not just that, US has even lost 3 nuclear bombs jinhe aaj tak koi nahi dhoond paya. Isi global opposition ke chalte India ne ek secret mission launch kiya for the first time to make nuclear weapons. Par in sanctions ne India ko nuclear technology mein self sufficient bana diya. India ke top scientist ko apna naam identity chupa kar travel karna padta tha. US ki spy satellites aur CIA dono India ke nuclear test detect karne par tule hue the. But India successfully conducted 5 nuclear bomb explosions in 1998 by fooling the CIA all on its own. क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूँ ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए, इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया. इन टेस्ट के साथ इंडिया ने खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट एस्टेब्लिश कर दिया था और इसके बाद आए और सैंक्शंस पर लिबरलाइजेशन की वजह से इंडिया इकोनॉमी अब तक स्ट्रांग हो चुकी थी और इन सैंक्शंस को झेल पाई. 98 टेस्ट के बाद इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई जिसके कोर पैरामीटर्स थे, जैसे कि इंडिया मिनिमम डेटरेंस मेंटेन करेगी एंड इन केस ऑफ वॉर इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेगी. इस पॉलिसी के साथ इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट बना. इंडिया वॉज ऑल्सो एन इमर्जिंग पावर एंड नोबडी कुड इग्नोर इट, इवन द यूएस, जिसको 2001 में इंडिया पर लगे सैंक्शंस ड्रॉप करने पड़े. 2005 में इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा टर्न आया जब दोनों नेशंस ने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील का फ्रेमवर्क अनाउंस किया जो कि 2008 में जाकर पूरा हुआ. यूएस नाउ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर इवन विदाउट साइनिंग द NPT. इस डील की सक्सेस को अक्सर क्वेश्चन किया जाता है बट ये इंडिया यूएस के रिलेशंस में एक लैंडमार्क टर्न था. इसके बाद इंडिया को बाकी देशों की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिला. इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर को हमेशा एक मिलिट्री टूल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल की तरह देखा है और पीसफुल न्यूक्लियर साइंस डेवलप करने पर फोकस रखा है. और अगर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात होती है तो वर्ल्ड के न्यूक्लियर वॉरहेड्स में से 90% न्यूक्लियर वॉरहेड्स यूएस और रशिया में हैं. आप न्यूक्लियर स्टेट्स की फिगर्स देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि डीन्यूक्लियराइजेशन की बात कहां से शुरू होनी चाहिए. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी बन सकती है. इट ऑल्सो हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस सफरिंग एंड एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट. रैपिड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट होने से इंडिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. पावर जनरेशन में इंडिया एक लौता डेवलपिंग नेशन है जिसने इंडिजीनियसली न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इंडिया का पहला इंडिजीनियस 700 मेगावाट एनर्जी न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर इन गुजरात एंड द गवर्नमेंट हैज बिग प्लान्स टू रैंप अप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन. करंटली इंडिया हैज 24 कमर्शियल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स और इंडिया का टारगेट है टू एड 18 मोर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बाय 2030. There is a renewed push towards harnessing nuclear power today. Indian government एक strategic shift ला रही है by inviting private companies to invest in the sector for the first time. By law, private companies cannot own nuclear plants in India, but इस unique model में private companies will buy the land, handle construction activities, etc. outside the reactor complex. But the core operation of building and operating the nuclear plant will stay with the NPCIL. इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी बना रहा है टू अचीव इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस. अनदर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जिसको इंडिया पुश कर रही है इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMR, जो साइज में नॉर्मल रिएक्टर से बहुत छोटे होते हैं बट आर डिजाइन फॉर मास प्रोडक्शन, मीनिंग दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन प्लेसेस दैट वर इनएक्सेसिबल टू न्यूक्लियर एनर्जी बिफोर. ये डीकार्बनाइजिंग और पावर जनरेशन दोनों का फ्यूचर में सॉल्यूशन बनेगा. इंटरनेशनल सैंक्शंस ने बहुत सालों तक इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे किया डिस्पाइट इंडिया बीइंग अहेड ऑफ द गेम, पर आज इंडिया बहुत तेजी से इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए स्टेप्स ले रही है और अपने पीसफुल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी न्यूक्लियर पावर अपने सिटीजन्स की लाइव्स इंप्रूव करने में लगी हुई है.